Hello everyone, welcome to BioPuri. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. तो नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ कॉकरोच. ये हमारी पार्ट सेकेंड वीडियो है. तो लास्ट वीडियो में हमने माउथ पार्ट्स ऑफ कॉकरोच एंड देयर फंक्शन कंप्लीट किया था. आज पढ़ेंगे थोरैसिक पोर्शन प्लस एब्डोमिनल पोर्शन एंड एलिमेंट्री सिस्टम ऑफ कॉकरोच. तो थोरैक्स पोर्शन, तो आफ्टर द हेड आपका आता है थोरैक्स पोर्शन जो फर्दर डिवाइडेड है तीन पार्ट में, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स. तो हेड कनेक्टेड है विद थोरैक्स बाय अ शॉर्ट एक्सटेंशन ऑफ प्रोथोरैक्स नोन एज नेक. तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो हेड पोर्शन है वो कनेक्टेड है विद थोरैक्स बाय अ शॉर्ट एक्सटेंशन ऑफ प्रोथोरैक्स जिसे हम कहते हैं नेक. तो जो भी हमारे थोरैसिक सेगमेंट है दे बियर अ पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स. तो आप देखो कॉकरोच में तीन पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स है, मींस टोटल सिक्स लेग्स है एंड थ्री पेयर. फर्स्ट पेयर ऑफ विंग अराइज फ्रॉम मीजोथोरैक्स एंड सेकेंड पेयर अराइज फ्रॉम मेटाथोरैक्स. तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है. थोरैक्स पोर्शन तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है. प्रोथोरैक्स आपका हेड से कनेक्टेड है. मीजोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स ये आपके वो पोर्शन है विच बियर विंग्स. तो मीजोथोरैक्स में फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स है, मेटाथोरैक्स में सेकेंड पेयर ऑफ विंग्स है. तो जो आपके मीजोथोरैक्स में जो विंग्स है उन्हें हम कहते हैं फोर विंग्स एंड ऑल्सो इट इज नोन एज टेगमीना. तो टेगमीना ये जो आपके फोर विंग्स है ये कैसे है, ओपैक एंड लेदरी विंग्स है. दे कवर द हाइंड विंग्स व्हेन एट रेस्ट. तो आपके ये वाले जो विंग्स होते हैं ये फ्लाइट के लिए यूज नहीं होते. तो आप यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हो आपके दो तरह के विंग्स हैं यहाँ पे. तो आपका जो कॉकरोच का विंग है जो फ्लाइट के लिए यूज होता है वो हाइंड विंग्स है, मींस जो मेटाथोरैक्स से अराइज हुए हैं. वो ट्रांसपेरेंट, मेम्ब्रेनस एंड दे आर यूज्ड इन फ्लाइट. बट आपके वो विंग्स जो मीजोथोरैक्स से अराइज हुए हैं वो आपके ओपैक विंग्स हैं, लेदरी हैं और वो कवर करते हैं हाइंड विंग्स को व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट. तो ये जो विंग पोर्शन भी आप यहाँ थोड़ा देख सकते हो, तो जो अपर विंग पोर्शन आपको दिखता है कॉकरोच का वो आपका फोर विंग पोर्शन है जिसने बॉडी को कवर कर रखा है. उसके नीचे हैं आपके हाइंड विंग्स जो मेटाथोरैक्स से अराइज हुए हैं और जो हेल्प करते हैं फॉर फ्लाइंग. तो ये आपका थोरैक्स पोर्शन हो गया. कॉकरोच का थोरैक्स पोर्शन इज डिवाइडेड इनटू प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स. प्रोथोरैक्स आपका कनेक्टेड है हेड पोर्शन से. मीजोथोरैक्स बियर फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स जिन्हें हम फोर विंग्स या फिर टेगमीना कहते हैं, ये डार्क एंड ओपैक विंग्स हैं. मेटाथोरैक्स बियर सेकेंड पेयर ऑफ विंग्स विच आर यूज्ड फॉर फ्लाइट. दे आर ट्रांसपेरेंट एंड मेम्ब्रेनस. और हर एक थोरैसिक सेगमेंट में आपके पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स हैं. तो थ्री पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स मींस टोटल सिक्स लेग्स. अब आते हैं एब्डोमिनल पोर्शन पे. तो कॉकरोच का जो एब्डोमिनल पोर्शन है इन केस ऑफ मेल एंड फीमेल दे हैव 10 सेगमेंट्स. तो इनके बारे में हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी डिटेल में देखेंगे. जो इम्पोर्टेंट फीचर है वो मैं अभी आपको बता देती हूँ. तो जो मेल एंड फीमेल एब्डोमेन है यहाँ पे आप क्लियरली डिफरेंस देख सकते हो कि जो मेल कॉकरोच है उनमें एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, दैट इज एनल स्टाइल. तो एनल स्टाइल आपका इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है जो सिर्फ मेल एब्डोमिनल सेगमेंट्स में प्रेजेंट होता है. एंड ये स्ट्रक्चर हेल्प करता है टू मेल कॉकरोच टू होल्ड द फीमेल ड्यूरिंग मेटिंग. इसके बिल्कुल ऑपोजिट जो आपके फीमेल कॉकरोच है उनमें एनल स्टाइल एब्सेंट है. और ये जो आप दो एक्सटेंशन देख सकते हो इन्हें हम कहते हैं एनल सेराय. तो एनल सेराय दोनों मेल एंड फीमेल कॉकरोच में प्रेजेंट है बट एनल स्टाइल सिर्फ मेल कॉकरोच में ही प्रेजेंट होता है. तो इन केस ऑफ फीमेल कॉकरोच जो सेवेंथ सेगमेंट है वहां पे बोट शेप्ड स्ट्रक्चर है. एट्थ एंड नाइन्थ सेगमेंट में आपका ब्रूड स्ट्रक्चर जिसे हम जेनाइटल पाउच कहते हैं. और जेनाइटल पाउच के इंटीरियर में फीमेल गोनोपोर, स्पर्मेटिकल पोर्स एंड कोलैटरल ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं. इन केस ऑफ मेल्स जेनाइटल पाउच और चैम्बर लाइज एट द हाइंड एंड. तो वो डॉर्सली बाउंडेड है नाइन्थ एंड टेंथ टर्गा से. तो ये आपका जनरल डिस्क्रिप्शन था एब्डोमेन ऑफ मेल एंड फीमेल. तो ये आपको बहुत ही कम पूछा जाता है. इसमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज थी जो मैंने आपको बता दिया कि फीमेल कॉकरोचेस में एनल स्टाइल एब्सेंट होता है, मेल कॉकरोच में प्रेजेंट होता है. दोनों में टोटल 10 सेगमेंट्स होते हैं. तो हमारी कॉकरोच मॉर्फोलॉजी कंप्लीट होती है जिसमें हमने कॉकरोच का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखा, हेड का स्ट्रक्चर, थोरैक्स एंड एब्डोमेन.
तो अब हम एनाटॉमी में सबसे पहले पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। तो पहले हम डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम देख लेते हैं। ये एक एक्चुअल डाइसेक्टेड डाइजेस्टिव सिस्टम है एक कॉकरोच का, और ये आपका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जो बुक में भी दिया है। तो आप लोगों ने 10th में भी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा होगा। तो हमने पढ़ा है कि डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है माउथ पोर्शन से एंड एंड होता है आपके एनल पोर्शन, जो रेक्टम लास्ट पार्ट है, ठीक है। तो वैसे ही कॉकरोच में भी माउथ पार्ट से स्टार्ट होगा, फेरिंग्स, ईसोफेगस, फिर आपके स्टमक की जगह ये लार्ज स्ट्रक्चर है पाउच जाता है स्क्रॉप। अब क्रॉप के पोस्टीरियर पोर्शन पे आपका प्रेजेंट है गिजार्ड। गिजार्ड के बाद आपका आता है मिड गट पोर्शन। तो मिड गट पोर्शन के बाद आपका हाइंड गट पोर्शन एंड फिर रेक्टम। तो ये सभी जो पार्ट्स हैं ये आपके कॉकरोच एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स हैं, प्लस यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड्स और आपके कुछ ग्लैंड्स हैं जो सिक्रीट करते हैं आपके एंजाइम्स एंड जूसेस। तो कॉकरोच का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो डिवाइडेड है फोर गट, मिड गट एंड हाइंड गट में। फोर गट को हम स्टोमोडियम भी कहते हैं, मिड गट को वेंट्रिकुलस एंड हाइंड गट को प्रोक्टोडियम। तो कॉकरोच का जो एलिमेंट्री कैनाल है इट इज प्रेजेंट इन द बॉडी कैविटी एंड इज डिवाइडेड इनटू फोर गट, मिड गट एंड हाइंड गट। तो माउथ ओपन होता है इनटू शॉर्ट ट्यूब्यूलर फेरिंग स्ट्रक्चर, और फेरिंग्स लीड टू अ ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर विच इज नोन एज ईसोफेगस। तो ईसोफेगस जो है इन टर्न ओपन इनटू अ सैक लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम कहते हैं क्रॉप, जहां पे आपका फूड स्टोर होता है। जैसे आपके स्टमक पोर्शन में जब ईसोफेगस से फूड जाएगा तो पहले स्टमक में स्टोर होगा, फिर वो धीरे धीरे उसमें ग्राइंडिंग और डाइजेशन स्टार्ट होगा। क्रॉप के बाद आपका आता है गिजर्ड पोर्शन, जिसे हम प्रोवेंट्रिकुलस भी कहते हैं। इट हैज आउटर थिक लेयर ऑफ सर्क्यूलर मसल्स एंड इनर थिक क्यूटिकल फॉर्मिंग सिक्स हाईली काइटिनस प्लेट कॉल्ड टीथ। तो आपका जो गिजर्ड है ये एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, क्योंकि यहाँ पे काइटिनस प्लेट लाइक टीथ स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो हेल्प करते हैं फूड को ग्राइंड करने के लिए। तो गिजर्ड हेल्प इन ग्राइंडिंग ऑफ फूड पार्टिकल्स। और जो आपकी एंटायर फोरगट है इट इज लाइन बाय अ क्यूटिकल। तो क्यूटिकल इनर थिक लेयर है जो पूरे फोरगट को लाइन करती है। तो हमने यहाँ से देखा माउथ के बाद फेरिंग्स, फिर आपके सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है, ईसोफेगस ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर, फिर सैक लाइक स्ट्रक्चर दैट इज क्रॉप, फिर आता है गिजर्ड। तो फेरिंग से लेकर गिजर्ड तक ये आपका फोरगट पोर्शन है। फिर आपका मिडगट पोर्शन स्टार्ट होता है। तो मिडगट पोर्शन के स्टार्टिंग में आपके प्रेजेंट है हेपेटिक सीके। तो फोरगट के बाद आता है आपका मिडगट पोर्शन। तो मिडगट पोर्शन में आपके जो स्टार्टिंग में प्रेजेंट है उन्हें हम हेपेटिक सीके या गैस्ट्रिक सीके कहते हैं, विच आर प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट। तो ये सिक्रीट करते हैं आपके डाइजेस्टिव जूसेस। तो मिडगट के बाद आपका आएगा हाइंडगट पोर्शन। तो एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट इज प्रेजेंट अनदर रिंग ऑफ 100 टू 150 येलो कलर्ड थिन फिलामेंटस मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। तो याद रखेंगे कि आपके फोरगट एंड मिडगट के जंक्शन पे प्रेजेंट होते हैं हेपेटिक सीके, जो कि 6 to 8 प्लाइंग ट्यूब्यूल्स हैं। एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट प्रेजेंट होते हैं फिलामेंटस मैल्फिजियन ट्यूब्यूल, जो कि 100 टू 150 येलो कलर स्ट्रक्चर है। अब आपके जो मैल्फिजियन ट्यूब्यूल है ये एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर है, हेल्प करते हैं रिमूवल ऑफ एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट फ्रॉम द हीमोलिम्फ। जो कॉकरोच का सर्कुलेटिंग फ्लूइड है उसे हम हीमोलिम्फ कहते हैं। तो जो आपका हाइंडगट होगा वो मैल्फिजियन ट्यूब्यूल के बाद स्टार्ट है। तो हाइंडगट को डिवाइड किया गया है इलम, कोलोन एंड रेक्टम में। तो रेक्टम ओपन्स आउट थ्रू एनस। तो आप देख सकते हो माउथ पोर्शन से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट हुआ एंड इट कम्प्लीट्स एट एनस। तो लास्ट पोर्शन इज हाइंडगट विच इज डिवाइडेड इनटू इलम, कोलोन एंड रेक्टम, और रेक्टम ओपन्स थ्रू एनस। तो ये आपका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन था एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच। इस वीडियो के नोट्स आपको मिलेंगे बायोपूल के टेलीग्राम चैनल पे, और इसका लिंक आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इफ यू लाइक द वीडियोस प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।